Good morning, everyone. So, today we will continue human disease part 4 from Lucent GKS Biology. So, let's start. These are my credentials. So, here we were. First is atherosclerosis. Atherosclerosis, what is basically? इसके अंदर जो आर्टरीज होती है ठीक है ह्यूमन बॉडीज में जितनी भी आर्टरीज उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट होने लगती है ठीक है उनकी वॉल पे ठीक है आर्टरीज की वॉल पे तो वो जो बनता है वो प्लाक जो जमा होता है वॉल ऑफ आर्टरीज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ठीक है तो वहां पर बेसिकली अब जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल और फैट पार्टिकल जमा होने लगते हैं तो वो आर्टरीज के ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं right? राइट वो आ, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उस पाथवे को ठीक है तो इसमें बेसिकली क्या होता है इस बीमारी के अंदर डिपोजिशन ऑफ कोले पार्टिकल इन द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आर्टरी इसको कहते हैं हम एथ्रोस्लैरोसिस जिसके अंदर आर्टरीज की वॉल के साइड में कोलेस्ट्रॉल और फैट पार्टिकल का डिपोजिशन होना और इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या है इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड राइट नाउ कम टू द दर्टीरियोस्लैरोसिस देखिए अब वो था एथ्रोस्रोसिस आर्टीरियो पड़ेंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉल्शियम कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम सोट आर्टरीज बिकम स्टिफ एंड इट लूज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू विच वॉल ऑफ आर्टरीज़ में रैप uh, वन अब देखिए यहां पर आर्टीरियो स्क्लैरोसिस की बात हो रही है आर्थ्रोस्लैरोसिस से याद रखेंगे कोलेस्ट्रॉल और फैट का आर्ट्रिकल ल्यूमन में जमा होना ठीक है लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं कि जो जमा होने के कारण क्या जमा होने के कारण कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से जो जमा होता है आर्टरीज की वॉल पे वो उसको स्टिफ बना देता है उसको रिजिड यानी टफ बना, बना देता है उसको कठोर बना देता है एंड इट लूजेज दी प्रॉपर्टी ऑफ इलेटी इससे क्या होगा कि उसकी इलास्टिसिटी लूज होने लगती है राइट सो so, uh, जो आर्टरीज में स्टिफनेस आती है रिजिडिटी आती है आर्टरी टफ हो जाती है आर्टरीज उसी को हम उस उस लूज होने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी भी लूज होती है इसी को हम कहते हैं आर्टीरियो है नाउ कम टू द द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया अब बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया राइट दिस इज कॉज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इसमें क्या होता है किडनी की माल फंक्शनिंग यानी कि नॉन फंक्शनिंग कह सकते हैं कि अगर वो किडनी वर्क ना करे प्रॉपरली तो यूरिया को वो रिमूव नहीं कर पाती है uh,

ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है यूरिन के अंदर द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन यूरिन कॉल द ग्लाइकोज यूरिया राइट नाउ कम टू द आर्थराइटिस इट इज अ डिजीज इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स टेक्स प्लेस इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आर्थराइटिस में कि ज्वाइंट्स uh, जो होते हैं जैसे घुटनों के ज्वाइंट्स हो गया हाथ के ज्वाइंट्स uh, कोहनी का ज्वाइंट्स हो गया उनमें इन्फ्लॉमेशन होने लगती है उसी को हम कहते हैं आर्थराइटिस तो so, दिस uh, जो आर्थराइटिस है दैट इज एक्सिस्टिंग इन ओल्ड पीपल जो ओल्ड एज वाले पीपल जो लोग हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है इससे क्या होता है जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है स्टिफनेस हो जाती है ठीक है और जैसे जैसे और ज्यादा एज बढ़ती है ये कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है राइट तो नाउ कम टू द ऑस्टियोपोरोसिस इट इज अ एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर ऑफ बोन इन विच लो बोन मास एंड इंक्रीज टेक्स प्लेस अब इसमें क्या होता है बेसिकली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके हिसाब से हमारी बोन्स भी वीक होने लगती है ठीक है और उस बोन में क्या होता है कि वीक का मतलब कि लो बोन मास जो बोन का जो कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर होता है कि जो यंग एज में जो बोन्स होती है काफी टफ मजबूत होती है वो सब चीजें खत्म होने लगती है बिकॉज ऑफ दिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम एंड उससे क्या होता है कि फ्रेजिलिटी टेक्स प्लेस और फ्रेजिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल कह सकते हैं वो जाती है सॉफ्ट हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारा जैसे कहते हैं गिरते हैं कभी कभी तो हा हड्डी टूटने का डर भी रहता है तो इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से आपकी बोन का मास जो होता है वो कम होता जाता है राइट नाउ कम टू दाइपर ग्लाइसीमिया इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज हाई हाइपर से देखो याद रखिए ग्लाइसीमिया यानी ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की बात हो रही है हाइपर मीनस बहुत ज्यादा हाइपर क्या होता है बहुत ज्यादा इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज वेरी हाई यानी कि ग्लूकोज की ब्लड के अंदर क्या हो गई बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है हाइपो ब्लड के अंदर वो कम जाती है कंडीशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज वेरी लो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है राइट नाउ कम टू द निमोनिया निमोनिया बेसिकली क्या है अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ एलवी ऑफ लंग निमोनिया कब होता है निमोनिया जब होता है जैसे हम कहते हैं ना सर्दियों में बच्चों को ज्यादा होता है बेसिकली जब ठंड लग जाती है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी सूज जाती है जो एलव्यूलाई होती है एयर सेक्स जो होते हैं एयर सेक्स होते हैं लंग्स के अंदर होते हैं जहां पर ऑक्सीजन सीओ टू का आदान प्रदान होता है थ्रू द ब्लड तो यहाँ बेसिकली जो एलव्यूलाई है उनमें स्वेलिंग आने लगती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहां पर म्यूकस भरने लग जाती है उसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है इसी को हम कहते हैं निमोनिया राइट नाउ कम टू द एम्फाइसीमा इट इज द एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एल एल्व्यूनाइ विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एम फीसी में क्या होता है एलव्यूलाइज होती है उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है ठीक है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है सिगरेट स्मोक एंड क्रोनिक ब्रोकाइट आर टू मेन कॉज अब इसके कॉज क्या है एम फाइसीमा के क्यों इलास्टिसिटी जो एयरस एक् होते हैं एलव्यूलाइज होती है लंग्स के अंदर वो उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ जो जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा या ब्रोंकाइटिस एक प्रॉब्लम है उसकी वजह से ही भी होता है ठीक है नाउ कम टू द मिसलेनियस इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंशंस के बारे में जो बेसिकली ये है की खोज किसने की थी बेसिकली एफ जी हॉपकिस ने की थी ठीक थी, है नाम इनको दिया था फंक ने विटामिन ए एम सी कॉलम एंड मैक कॉलम एंड विटामिन बी एम मैक कॉलम एंड विटामिन सी हॉलिस्ट एंड विटामिन डी मैक कॉलम सल्फर ड्रग्स बेसिकली इतना डीपली नहीं पूछते बट दे आर आस्किंग अबाउट हु इन्वेंटेड द विटामिन विटामिन की खोज किसने की थी एफजी जी हॉपकिंस ने इसको नाम विटामिन किसने दिया था फंक ने साइंटिस्ट ने ठीक है सल्फर ड्रग्स की डैगमैक डॉगमैक एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन की वैक्समैन हार्ट ट्रांसप्लेशन किसने बताया था ये क्रिश्चियन बर्नार्ड पूछा जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी रोनाल्ड तो रॉस ये भी इंपॉर्टेंट है डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग इज डिस्कवर्ड बाय किटाजाटो राइट तो ये मलेरिया uh, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर होम्योपैथी इंपॉर्टेंट है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इम्पोर्टेंट है राइट right? सेक्स हार्मोन बाय स्टेंच दिस बाइ स्टैंसो इम्पोर्टेंट एंड ओपन हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी को जिसने डिस्कवर किया था ये ये जो भी है है यू कैन रिप्लेस इट विद द डेनियल हेल विलियम डेनियल डी एन आई एल एच एलई हेल एंड विलियम्स राइट तो हु डिस्कवर्ड ओपन हार्ट सर्जरी डेनियल हेल विलियम राइट पूरा नाम था जो ग्रीगोरी गुड विन राइट कॉन्ट्रोसे बोलते हैं फर्स्ट टेस्ट्यूब बेबी बाय एडवर्ड एंड स्टेप ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट टेस्ट्यूबेबी इज डिस्कवर्ड और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिन्होंने बेबी को प्रोड्यूस किया था दैट वॉज एडवर्ड एंड स्टेप

एडवर्ड जेनर ने बताया था ये इंपॉर्टेंट है वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स एडवर्ड जेनर टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था डायबिटीज बैंटिंग जिसने इंसुलिन के बारे में बताया वही बैंटिंग साइंटिस्ट है यानी इंसुलिन एंड डायबिटीज बोथ आर डिस्कवर्ड बाय ने बताया था इंपॉर्टेंट है पोलियो वैक्सीन जॉन एसॉक इन्होंने बताया था बीसीजी के बारे में ग्यूरिन देखिए इसका नाम भी है बेसिलस कॉलमेटिकोरिन इसका फुल फॉर्म भी यही है ठीक है तो बेसिलस काटिक गुरन

अगर हैवीएस्ट मैमल की बात करेंगे ओवरऑल अर्थ पे तो ब्लू ब्लूवेल है लेकिन अगर लैंड पे बात करेंगे तो अफ्रीकन एलिफेंट है लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल क्या है सी टर्टल टॉटोइ है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑस्ट्रिच है लार्जेस्ट स्नेक पाइथन है लार्जेस्ट मंकी गोरेला है स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड है ये पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट मैमल श्र्यू लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट एग सेल की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच एग हो गया ठीक है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड भी ऑस्ट्रिच है फास्टेस्ट एनिमल जो सबसे तेज दौड़ने वाला है वो चीता है पैंथर है, right? and, uh, fastest flying bird है, है, uh, सबसे तेज दौड़ने वाली एग लेइंग मैमल इकिडना एंड डक बिल्ड प्लेटिपस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग मैमल क्योंकि मैमल एग नहीं देते राइट बट एक्सेप्शन सो इनका एग्जाम्पल है एंड डक बिल्ड प्लेटिपस टॉल्ड टॉलेस्ट जो सबसे ज्यादा लंबा मैमल है दैट इज जिराफ अफ्रीका में पाए जाते हैं बिजनेस सॉरी बिजेस्ट ह्यूमन ऑर्गन हार्ट है सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या है हार्ट है राइट ओल्ड uh, uh, वाली एडिशन में नहीं है बट न्यूशन बताया गया है like, के बा, uh, बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेसमेकर क्या है इट इज अ स्मॉल डिवाइस दट इज प्लेस इन देस्ट टू कंट्रोल एबनॉर्मल एबनॉर्मल हार्ट बीट राइट जैसे कि हमारे चेस्ट में पेसमेकर काम करना बंद कर देता है ठीक है जो uh, नोड होती है 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 उनके रिप्लेसमेंट में ये लगता ठीक तो एक क्या एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती है तो ये ऊपर से लगाई जाती है ठीक है इसको हम कहते हैं पेसमेकर एक होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन सीटी स्कैन जिसको कहते हैं सीटी स्कैन तुमने सुना होगा सभी ने सुनाया आजकल जब भी हम जाते हैं हॉस्पिटल तो सीटी स्कैन भी एक आ,

एनसीफेलोग्राम, ईईजी, एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि हार्ट के बारे में हर्ट की अब नॉर्मलिटी को डिटेक्ट करता है लेकिन एक होता है ईसी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम माल फंशनिंग थ्रूलोग्राम के थ्रो डिटेक्ट करते हैं एम आर आई यानी की मैग्नेटिकाइंड आउट एनी अब इन द होल बॉडी जो भी बॉडी में कुछ भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे एम आर आई के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं ठीक है एक होता है ऑटो एनालाइजर इससे इसको कैसे यूज किया जाता है यूज टू एग्जामिन ग्लूकोज यूरिया एंड कोलेस्ट्रोल राइट तो ऑटो एनालाइजर होता है ये ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ग्लूकोज को यूरिया को और कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट एंड अवर लेफ्ट पार्ट इज दिस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट वी विल डू इन नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर यू नो ल्यूसेंट बुक बायोलॉजी का हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया है एंड जो लेफ्ट ओवर पार्ट है दिस इज द लास्ट पार्ट राइट हमने जो ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे छूटे हैं राइट तो ये हमें करना है बाकी सारा हमारा अब तक फिनिश हो गई है लिसन थैंक यू वेरी मच